पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज। तो आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। सिंपल पेंडुलम, यू हैव अ वायर, देन यू हैव अ बॉब, ओके। दिस बॉब इज ऑसिलेटिंग, सो इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन टू एंड्स लाइक दिस। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग गया, दैट इज टाइम पीरियड। तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज रिकॉर्डेड एज, मतलब पहली बार जब मैंने मेजरमेंट लिया तो 2.63 सेकेंड्स, दूसरी बार जब मेजरमेंट लिया तो 2.56 सेकेंड्स, तीसरी बार जब मैंने मेजरमेंट लिया तो 2.42 सेकेंड्स, चौथी बार जब मैंने मेजरमेंट लिया तो मुझे मिला 2.71 सेकेंड्स, और पांचवी बार जब मैंने मेजरमेंट लिया तो मुझे मिला टाइम पीरियड एज 2.80 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज हाउ दिस इज वैल्यूज दैट यू आर गेटिंग व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब मेजर करना, व्हेन यू आर मेजरिंग टाइम पीरियड। तो आपके पास पांच अलग अलग वैल्यूज है। आपको पूछा है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। आपको याद होगा एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन वैल्यू माइनस ईच वैल्यू। आप पहले मीन वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड का मीन निकालना पड़ेगा, टी मीन, दैट इज टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव। मैं कैलकुलेशंस नहीं करके देने वाला हूं, ये आपको करना है डिवाइड बाय फाइव। तो ये एवरेज वैल्यू आपकी 2.62 सेकेंड्स आएगी। मैंने करके रखा है, दैट्स व्हाई आई नो 2.62 सेकेंड आएगा टी मीन। फिर आप मीन एरर, मीन मतलब एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। आपको याद होगा अगर आपके पास एन रीडिंग है तो एरर भी एन मिलते हैं, तो टी मीन माइनस टी वन ये फाइंड करोगे। ओके, तो यू विल बी फाइंडिंग आउट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ऑल फाइव रीडिंग्स। तो ये आपको मिलेगा डेल्टा टी 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांच एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन 1, 2, 3, 4, 5th रीडिंग। ये सारा हमने थियोरी क्लासेस में किया है ऑलरेडी, कवर वी हैव ऑलरेडी डन दिस। तो ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रखी है, दिस इज 0.01, दिस इज 0.06, दिस इज 0.20, दिस इज इक्वल टू 0.09, दिस इज इक्वल टू 0.18। ओके, फिर आपको याद होगा फिर आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हो। पहले तो आप पांच रीडिंग का मीन निकालते हो, फिर हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालते हो, फिर पांचों एरर का मीन निकालते हो। सो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हो आप, डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू प्लस डेल्टा टी थ्री प्लस डेल्टा टी फोर प्लस डेल्टा टी फाइव। ओके, सो जस्ट अ मिनट, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो ठीक है, थोड़ा हियर एंड देयर इज ओके। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू प्लस डेल्टा टी थ्री प्लस डेल्टा टी फोर प्लस डेल्टा टी फाइव बाय फाइव। तो ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको डिनोट करते वक्त हम लोग डेल्टा टी मीन से डिनोट करते हैं। ये भी मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, तो दिस हैपेंस टू बी 0.11 सेकेंड। आपको पूछा है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके, एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, यही पूछा था आपको। तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर परसेंटेज एरर पूछा होता तो फिर आप डेल्टा टी मीन को टी मीन के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते। ओके, हमको पूछा ही है एवरेज एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सारे वैल्यूज का पहले मीन लो, आपको मीन वैल्यू मिल जाएगा। मीन में से हर एक वैल्यू को माइनस करके उसका मॉड लो,
मॉड लेना पड़ता है क्योंकि डेफिनेशन है ये, एब्सोल्यूट एरर है मतलब मॉड वैल्यू है, फिर 5-6 एब्सोल्यूट एरर का एवरेज लो, दैट इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर 0.11। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, वी विल स्टॉप एट दिस क्वेश्चन।